भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2023 में गुरु पूर्णिमा का महापर्व कब रहेगा तथा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की व्रत की पूर्णिमा कब रहेगी। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 जुलाई 2023 रविवार की रात को 8:21 पर हो जाएगा तथा पूर्णिमा तिथि का समापन 3 जुलाई 2023 सोमवार की शाम को 5:08 पर हो जाएगा। अतः चंद्रोदय व्यापिनी रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वह 2 जुलाई 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 2 जुलाई को रहेगी तथा गुरु पूर्णिमा जो कि सूर्योदय व्यापिनी मानी जाती है वह 3 जुलाई 2023 सोमवार को रहेगी। यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, अतः आषाढ़ माह का सोमवार रहेगा। इसलिए इस सोमवार को सावन का सोमवार नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो अगला सोमवार आएगा वही श्रावण का सोमवार माना जाएगा। तो भक्तजन, माताएं बहनें यदि पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो उनको 2 जुलाई 2023 रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए तथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव यानी गुरु पूजन से संबंधित सभी कार्य या गुरु पूर्णिमा से संबंधित सभी पूजन पाठ अनुष्ठान आपको 3 जुलाई 2023 सोमवार को ही करना चाहिए। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष संयोग निर्मित हो रहे हैं। दो बड़े योग निर्मित हो रहे हैं। बुधादित्य योग एक प्रकार का राजयोग है और यदि राशि अनुसार आप उपाय करेंगे तो आपको सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। गुरु पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग और बुधादित्य राजयोग निर्मित हो रहा है। इन शुभ योगों में गुरुदेव से दीक्षा लेना शुभ फलदायी होगा। गुरु की चरण वंदना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरुदेव उच्च या प्रबल स्थान में है तो हमें कार्यों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। और अगर गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव की पूजा की जाए तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। खास बात यह है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन 18 पुराणों के रचिता महर्षि वेदव्यास जी का प्रागट्य हुआ था, इनका अवतरण हुआ था, इनका जन्म हुआ था, तभी से इसी दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई 2023 सोमवार को ही मनाई जाएगी और इस दिन विशेष संयोग के कारण कई राशि वालों को विशेष फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो बड़े महासंयोग निर्मित हो रहे हैं उसमें ब्रह्म योग 2 जुलाई 2023 को रात को 7:26 से 3 जुलाई 2023 दोपहर 3:45 तक रहेगा तथा इंद्र योग 3 जुलाई 2023 से दोपहर 3:45 से 4 जुलाई 2023 सुबह 11:50 तक रहेगा। बुधादित्य योग भी बनेगा क्योंकि 24 जून को बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और ग्रहों के राजा सूर्यदेव पहले से ही मिथुन राशि में विराजित है। ऐसे में इन ग्रहों की युति से बुधादित्य नामक राजयोग निर्मित हो रहा है। गुरु पूर्णिमा तिथि 2023 पंचांग गणना के अनुसार 2 जुलाई को रात को 8:21 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 3 जुलाई की शाम को 5:08 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदिया तिथि के अनुसार 3 जुलाई को ही आपको गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाना चाहिए। यदि इन महासंयोगों के कारण राशिवार बात करते हैं तो सबसे अधिक जिनको फल प्राप्त होगा उनमें पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को गुरु पूर्णिमा वाले दिन बेहद शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इनके करियर में सफलता मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक समस्या से इनको मुक्ति मिलेगी, शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगली राशि है सिंह राशि। गुरु पूर्णिमा के दिन सिंह राशि वालों को बेहद
शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। धन लाभ होगा, लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। कार्यस्थल में शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। नया काम शुरू करने के लिए अच्छा समय है। इसके बाद आएगी धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों के सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी तारीफ होगी। निवेश के लिए अच्छा समय है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। गुरु पूर्णिमा पर शुभ ग्रह की शुभता पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की इस दिन कथा करवानी चाहिए या कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु जी को इस दिन पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, केले के पेड़ में दीपक लगाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत हो जाएगा और नौकरी में, कार्यक्षेत्र में, व्यापार में आ रही परेशानियां दूर हो जाएगी। करियर में उन्नति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पेज पर लाल रंग के कुमकुम अथवा रोली से स्वस्तिक यानी सातिये का चिन्ह बनाए। इसके बाद उस पर अपनी इच्छा लिख करके इस किताब को मां सरस्वती के सम्मुख यानी सामने रख देना चाहिए। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी और सबसे बड़ा गुरु माना गया है। व्यक्ति का यदि कोई गुरु नहीं है तो उनको भगवान विष्णु को या अपने इष्ट देव को गुरु मान करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री हरि की उपासना से गुरु दोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त में करने में कोई कष्ट, व्यवधान या तकलीफें उत्पन्न हो रही है तो इस दिन गीता पाठ करने से या गीता पाठ सुनने से और गौ माता की सेवा करने से बहुत अधिक सफलता या लाभ उनको प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करने से जीवन भर कभी भी आपको जो है दुख या संकट नहीं आएंगे। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। हर कार्य पूरे होते जाएंगे। कार्यक्षेत्र में एक सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गरीब को पीला अनाज जैसे तुअर की दाल, चने की दाल या पीले रंग के फल, पीले रंग की मिठाई या पीले रंग के कपड़े का दान करें। इससे व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। यदि राशि अनुसार आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो सबसे पहली मेष राशि, खाने पीने की वस्तुएं और मूंग का दान करें, लाल कपड़े का दान करें। उसके बाद वृषभ राशि, सफेद वस्तुएं जैसे चांदी और चांदी से निर्मित कोई भी वस्तु का दान करना चाहिए। मिश्री का दान करना भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। मिथुन राशि वालों को ओढ़ने या बिछाने की वस्तु या चादर या वस्त्र का दान करना चाहिए। वहीं कर्क राशि वालों को चावल, दही आदि दान करने से लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों को पंच धातु से बनी कोई भी वस्तु का दान इस दिन अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि वालों को कीमती वस्तुएं जैसे हीरा, जवाहरात, कोहिनूर आदि का दान करना चाहिए। यदि कुछ और न बन सके तो वो केवल चावल का दान भी कर सकते हैं। वहीं तुला राशि वालों को शाल, चादर या कंबल का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को माणिक या इससे जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को पीली वस्तु, हल्दी या सोने से निर्मित कोई वस्तु का दान करना चाहिए। और वहीं मकर राशि वालों को पीले वस्त्र का दान करने से लाभ प्राप्त होगा तथा कुंभ राशि वालों को सफेद वस्तुएं जैसे सफेद वस्त्र, मोती, चांदी आदि का दान करना चाहिए। मीन राशि वालों को पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, बेसन आदि का दान करना चाहिए। इन दानों को करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुदेव का पूजन अर्चन करना चाहिए। उनको तिलक लगा करके श्रीफल के साथ दक्षिणा प्रदान करें, पुष्पमाला उनको पहनाएं या पुष्प उनको अर्पित करें या फिर वस्त्र उनको अर्पित करना चाहिए। फल और मिठाई का दान भी उनको करना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने गुरुदेव को अपने घर भोजन भी करवाना चाहिए। यदि भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान करें। और यदि ये भी नहीं दे सकते हैं तो आप उनको इसके निमित्त नगद राशि प्रदान करके भी गुरु पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है
वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय। हम सभी के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उन्हें गुरु कहा जाता है। गुरुदेव के द्वारा दी हुई शिक्षा ही हमें आगे बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभाओं को लोगों के सामने प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिना गुरु के आप भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बताया गया है कि गुरु और गोविंद जब दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले हमको गुरु का वंदन करना चाहिए, क्योंकि गुरु की वजह से ही गोविंद की हमें प्राप्ति हुई है। इसलिए सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीकों से किया गया है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेदव्यास जी के प्रागट्य उत्सव अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि 18 पुराणों के रचयिता वेदव्यास जी का इस दिन प्रागट्य हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार के रूप में पृथ्वी पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर और माता सत्यवती था। उन्हें बचपन से ही बाल्यकाल से ही आध्यात्म में काफी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर के कठोर तपस्या की, लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी माता से इस कार्य के लिए हट किया, जिद की और अपनी बात को स्वीकार करा लिया, लेकिन उन्होंने आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद महर्षि वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने के लिए जंगल में निकल गए और वहां जाकर के उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप के तौर पर उन्होंने संस्कृत भाषा में काफी महारत और प्रवीणता हासिल की, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत कथा की रचना उन्होंने की तथा 18 पुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना भी उन्होंने की और उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। श्रीमद् भागवत कथा जो आज प्राय हम सभी सुनते हैं, उसका भी विस्तार और रचना का कार्य महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से ही संपन्न हुआ है। 18 महापुराणों और ब्रह्मास्त्र की रचना भी उनके द्वारा की गई है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी किसी ने किसी रूप में महर्षि वेदव्यास जी हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए सनातन धर्म में वेदव्यास जी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेदव्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप भी महर्षि वेदव्यास जी की जरूर पूजा करें और उनकी कुछ अहम बातों को जरूर अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें, जिसका प्रभाव आपको आने वाले भविष्य में बेहतर देखने को मिलेगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको गुरु पूर्णिमा की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को यदि आप उचित समझे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।